आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ही इसको ऑर्गेनाइज करती है, और हमने नए साल में भी 31 जनवरी को भी हमने ये राहगीरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उसमें यही था कि आप डोंट मिक्स ड्रिंक विद ड्राइव, और वो 31 था तो उसमें वो स्पेशल एक मैसेज था। लेकिन ये प्रोग्राम दिल्ली पुलिस वीक के अंदर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसमें जैसे हमने आपको बताया कि हमारा काम है रोड सेफ्टी, हमारा जो पुलिस का काम है सेफ्टी ऑफ द पीपल। अगर आप घर से निकलते हैं, स्टूडेंट्स निकलते हैं, पढ़ने के लिए निकल रहे हैं, किसी काम पे जा रहे हैं, तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि कोई भी जो घर से निकलते हैं वो सेफली अपने घर पहुंच जाए। जो पेमेंट्स हैं ये चलने के लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर अननेसेसरी और एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं जो जिसे जिसके लिए हम लोग कैंपेन्स चलाते हैं, हम लोग यूथ को एजुकेट करते हैं, हम लोग प्लेस के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये गलत है, और ये सड़क जो है, जो पेमेंट्स हैं वो चलने के लिए है किस तरीके। और रोड सेफ्टी के दौरान हम रोड इंजीनियरिंग भी करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें, अगर कहीं पे क्रैशेज हो रहे हैं किस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये राहगीरी जो है एक इनिशिएटिव है जो हम दिल्ली पुलिस वीक के दौरान कर रहे हैं, और इसको हम लोग पहले भी करते रहे हैं और अब करते भी रहेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जैसे कि एक राइडर्स ग्रुप है, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, साथ में कुछ प्लेज हो रहे हैं। आज सारे दिन ही ये चीज़ें चलेंगी, प्लेज हो रहे हैं। हम लोग पूरा का पूरा इनर सर्कल को केवल लोगों के लिए चला देते हैं। एक साइकिल है, इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है, वो सब चीज़ें ही हम लोग चला रहे हैं। साथ में एक क्विज कॉन्टेस्ट है, जैसे कि अभी आप देखें छोटे छोटे बच्चे जो है वो आंसर्स दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, रोड पे ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो क्विज ऑन रोड सेफ्टी एंड ऑल दीज थिंग्स हम लोग इसमें करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा जो लूडो दे रहे हैं वो भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड ही है, ठीक है ना, कि ऊपर अगर क्रैश हुआ, आप अगर गलत जगह गाड़ी चला दी तो आप नीचे वापस, जो सांप सीढ़ी को हमने जो है रोड सेफ्टी से जोड़ के बना दिया। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट हैं, ये सब अवेयरनेस के लिए है कि देखिए छोटे बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य है। उनको अगर बचपन से हम बताएं, वो जैसे घर में अपने मम्मी पापा को बताएं कि नहीं पापा आप ऐसे मत चलाया कीजिए, नहीं पापा इस ये गलत है, इस तरह से तो ठीक नहीं है, रेड लाइट है, आप गाड़ी क्यों जम्प कर रहे हैं। जो बच्चे हैं उनका मैसेज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो हम लोग वी आर कैचिंग द यूथ, वी आर कैचिंग द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस, कि भाई आप भी अपने लोगों को बताइए कि ये गलत है ये सही है। और बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो इनोसेंस में जो मैसेज दे जाते हैं वो आई थिंक मैं और आप शायद नहीं दे सकते। नहीं, कम हुए हैं। आपको अगर आप डेटा देखें पिछले साल का, तो रोड क्रैशेज एज कम्पेयर टू जो डेथ्स हुई हैं वो पिछले साल के मैनेजमेंट इस बार कम हुई हैं, अगर आप डेटा को देखते हैं। हमारा प्रयास रहता है, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रेशर है रोड्स पे वो बढ़ रहा है। पिछले साल अगर इतने लोग प्लाई कर रहे थे रोड्स पे, तो अब ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मतलब इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम अगर हम उस डेथ रेट को या क्रैश रेट को कम कर पाए हैं, या उस लेवल से थोड़ा सा मेंटेन भी कर पाए हैं, बढ़ने नहीं दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैंपेन्स काम कर रही हैं। और केवल कैंपेन्स ही नहीं, हम रोड इंजीनियरिंग भी करते हैं। हम एनालाइज करते हैं उस डेटा को कि अगर यहाँ पे ज़्यादा क्रैशेज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो मधुबन चौक है, आप अगर उधर जाके देखें तो हमने पिछले 1.5 महीने से वहाँ पे एक इम्प्लीमेंट किया है पायलट प्रोजेक्ट के, क्यों क्रैशेज क्यों होते थे यहाँ पे। मतलब आप इसको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को कि जैसे कि अगर ये एक चौराहा है और उसके बीच में आपने कुछ ऐसी चीज़ें लगा दी, माना सौंदर्यकरण के लिए लगा दी, जिससे कि यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो दूसरे ट्रैफिक को नहीं दिख पा रहा है, इट ऑल्सो कॉजेस क्रैशेस। तो आपको विजिबिलिटी रखनी पड़ती है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लगता है ये शायद इसको सौंदर्यकरण बढ़ा रही है, लेकिन वो भी क्रैशेस को ऐड करती है। तो ये काम है रोड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेल का, जिसको हम एनालाइज करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये काम भी हम करते रहते हैं। ये रीज़न है कि कैंपेन्स के साथ साथ हम एजुकेट भी करें और हम इम्प्लीमेंट भी करें, ताकि चीज़ें हो क्यों रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई ब्लाइंड है, अगर आप वहाँ पे मिरर लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है, तो ये आपको वो आपके एक्सीडेंट्स रोक देता है। वहाँ पे अगर जो इंजीनियरिंग का फॉल्ट है, उसको आप इंजीनियरिंग
करके ही हटा सकते हैं। तो कैंपेन्स के साथ साथ आपको मॉडिफिकेशन भी करने हैं, तो वो हम कर रहे हैं।